आज इधर ऑल इंडिया मुशायरे के सदारत कर रहे आप सबके परिचित और बीएसपी के जो मुस्लिम समाज को देख रहे हैं, सामाजिक भाईचारा के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर, कई मंडलों के प्रभारी, बड़े भाई जनाब मुमताज अली साहब और हमारे बीच में इधर बुंदेलखंड के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर, बुंदेलखंड के प्रभारी झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल के हमारे छोटे भाई माननीय श्री लाला राम अहरवार साहब, जोन कोऑर्डिनेटर, मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर माननीय श्री वीरेंद्र वर्मा जी, माननीय श्री राजू अहरवार साहब, और आज जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में पूरा सहयोग किया, बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी के प्रत्याशी माननीय श्री संजय दीक्षित जी, जमीर आलम साहब, कदौरा नवाब, और इधर बड़ा तैयारी में पूरा समय लगाया जनाब नबी भाई, और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी शायर भाई जो इधर शायर पढ़ेंगे आपके सामने, और इधर इकट्ठे हुए मौदाह और आस पास के सभी गांव के, क्योंकि हमने पिछली बार भी आप लोगों का जोश देखा था और इस बार भी देखेंगे, ऐसे मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों साथियों, ये तो मेरी, मैं पिछली बार भी आप लोगों के इस मुशायरे में जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ, क्योंकि उस समय मेहमून खुसूसी जो थे, चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो जनाब सिद्दीकी साहब थे, लेकिन उस समय मैं बुंदेलखंड को देख रहा था तो उस समय भी मैंने आप लोगों का जोश देखा था, बहुत ज्यादा जोश था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मौलाना सलीम जाफरी साहब की याद में आप लोग हर बार मुशायरा कराते हैं, और जैसा मुझे बताया गया कि मौलाना सलीम जाफरी साहब ने तालीम के लिए ही सब कुछ छोड़कर इधर आए थे, तो मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे, और हम आप सबका इस मुशायरे में इस्तकबाल करते हैं, और आप लोग शांति बना के सभी लोगों को सुनेंगे, क्योंकि मुझे तो पिछली बार भी लगा कि आप लोगों में जोश इतना है कि जोश से ताड़ियां बजाते हैं, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, और जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने, जिन जिम्मेदार साथियों ने मुशायरे में कराने में जो सहयोग किया है, मेहनत की है, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। अस्सलामु अलैकुम।